जिसके घुटनों में दर्द है वो खड़े रहो, बाकी लोग बैठ जाओ। सब बैठ गए, पैसा हो जाएगी ना। नरसिंह परमार, महामंत्री आबू संघर्ष समिति। आज माउंट आबू दूसरे दिन भी पूर्ण रूप से बंद रखा गया है। कल भी माउंट आबू पूर्ण रूप से बंद था और ये बंद माउंट आबू में बिल्डिंग बायलॉज को लागू नहीं करने के विरोध में अनिश्चितकाल के लिए बंद किया है, जिसमें आबू पर्वत के सभी संगठन, आबू पर्वत की पूर्ण जनता इसमें पूर्ण रूप से एक साथ में जुड़ी हुई है। हमारा बंद शांतिपूर्ण तरीके से है। यहाँ जो कुछ पर्यटक आ भी रहे हैं उनका थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका दुख भी हमें हो रहा है, क्योंकि ये पर्यटक नगरी है। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की उनके साथ में अनहोनी घटना ना हो, उसका भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और ये हमारा बंद अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। कल एक लेटर जयपुर से हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया है, जिसमें हमको ये लग रहा है कि हमको एक लॉलीपॉप पकड़ाई गई है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप वन पर्यावरण मंत्रालय से कराओ, आप नगर पालिका से कराओ, किसी प्रकार से कराओ, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको हमारा बिल्डिंग बायलॉ चाहिए, जो मास्टर प्लान के अनुरूप, जो माउंट आबू इको सेंसिटिव को ध्यान में रखते हुए हमारे आबू संघर्ष समिति के अध्यक्ष और नगर पालिका निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सुनील जी आचार्य ने अब सब चीज़ों को ध्यान में रख करके माउंट आबू के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, माउंट आबू की सुंदरता किसी प्रकार से खराब ना हो उसके ध्यान में रखते हुए ये बिल्डिंग बायलॉज बनाए। हमारा सरकार से ये निवेदन है ना कि जल्दी से जल्दी माउंट आबू में बिल्डिंग बायलॉज लागू हो और माउंट आबू की जनता जो पिछले 25 वर्षों से दंश झेल रही है उसका सभी को राहत मिले। हमारा सरकार से यही निवेदन है और हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक माउंट आबू पूर्ण रूप से बंद रहेगा और रहेगा।